सीधी माँ आज लगभग 12 बजे दोपहर के एक संदिग्ध लाश मिला थी। लाश मिला थी डेम्हा पहाड़ के और नौढ़िया के सरहद माँ। वह सरहद माँ एक निर्माणाधीन गौशाला माँ एक 36 साल के युवक संजय सिंह, जो अपने घरे के जिम्मेदार रहा, पूरा घर जो है संभारे रहा, वह शख्स का जो है कुछ संदिग्ध लोगन के द्वारा परिजनन के आरोप यह है कि ओकर तड़पाए तड़पाए के मार डारागा। हालात यह भी कि शरीर में ऐसा कौनो अंग नहीं बचा है जहाँ जो है छेदा नगा हो और मारा नगा हो। हालांकि प्रथम दृष्टिया लोगन के कहब है कि लोहे के राड से वह व्यक्ति के शरीर के जो है मारागा छेदागा। जो में तस्वीर है ओका हम नहीं दिखा सकी, कहे कि वह बेहद जो है देखे के बाद अपना विचलित हो सके थे। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद दुखद खबर के, जहां सीधी में आम लोगन के मन में कहो न कहो ऐसा घटना लगातार हो रही है कि भय व्याप्त हो रहा है। यह पूरा घटनाक्रम दोपहर 12 बजे होते हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, पीएम हाउस में उनका परिजन खड़े हैं, जनप्रतिनिधि खड़े हैं, लोग खड़े हैं, नेता खड़े हैं और सिर्फ यह सोच रहे हैं कि आखिर वह लड़का के साथ ऐसा कैसा होगा। 6 घंटा बाद अब पीएम शुरू हुआ है। डॉक्टर राकेश तिवारी मझौली से परिजनन के द्वारा मांग की गई रही कि उनका जो है वह टीम में शामिल की जाए, जो उन्हें माँ पीएम के टीम में तब पोस्टमार्टम हुई जब डॉक्टर राकेश तिवारी आई। हालांकि अब वो आए गए हैं, पीएम के प्रक्रिया जारी हो गई। सवाल सबसे बड़ा कि का सीधी सुरक्षित थी? सीधी मजौ में, सीधी शहर में आम जन के मन में एक भय व्याप्त हो रहा है। हमारे साथ इंसरन सिंह चौहान जी हैं, भाजपा से जिलाध्यक्ष हैं, अपने के केंद्रों में सरकार ही, प्रदेशों में सरकार ही। पुलिस का अपन काम सही तरीके से कह रही है? गश्त के लगातार बात उठा थी कि रात में गश्त नहीं हुए। सही तरीके से यदि पुलिस अपन काम करब शुरू करे तो अपराधीन के मन में भय हो, किंतु आज खुलेआम अपराधी अपराध का अंजाम देते, खुलासा नहीं हुए बड़े बड़े मामलन का कहब? निश्चित रूप से जौन घटना घट रही है सीधी में, यह दुर्भाग्यजनक है और चिंताजनक है और बेहद पीड़ा पहुंचावे वाली है। और जब यह में घटना घटती है तो निश्चित रूप से पुलिस पर प्रश्न चिन्ह उठत है। लेकिन ये घटना के संबंध में जैसे अपने का जानकारी है जो हमका व्यक्तिगत पीड़ा पहुंचावे वाला है, हम तत्काल पुलिस अधीक्षक सीधी से और कलेक्टर साहब से बात करें और पुलिस अधीक्षक जी तत्काल जमोड़ी चौकी प्रभारी का बात करें। हालांकि तब तक वहां सूचना नहीं पहुंची रही जब हम बात करें। अपना कै बजे फ़ोन लगाए रहे? हम लगभग 12:20 पर हम बात करें और पुलिस अधीक्षक वहीं समय बात करें, तब तक यह सूचना पुलिस में जमोड़ी थाना तक नहीं पहुंची रही। लेकिन पुलिस अधीक्षक तत्परता से होकर आगे बढ़ाइन और संजय के निर्मम हत्या बहुत पीड़ा पहुंचावे वाली है। अब फिर से हम पुलिस अधीक्षक जी के साथ बैठब कि जे अपराधी हैं उनका तत्काल पता लगाए के दंड दिन जाए, कार्यवाही की जाए और जो उन भरोसा है लोगन के जो उन उठल्ला है वह कायम रहे। और नितांत यह आवश्यक है ऐसे कि एक दूसरी घटना और ऐसा घटी हम जौने से लोगन के मन में इत दहशत के भाव हो रहा है। लेकिन फिर से हम पीछे बैठ के एक तय करब कि जो उनमें अपराध घटित हो रहा वो में कंट्रोल हो। अब आप पिछले दिन कुछ विषय का लेके कलेक्टर और एसपी से हम फिर से बात करे रहें जो उन कोरिक्स या अन्य क्षेत्र में ओम में बात करे रहें। लेकिन आज अपना इतवाद देखी कि जो आज 6 बजे रहा और ओके 6 बजे तक पीएम हो रहा है, लगातार पुष्पराज जी हमका बताइन और लोग बताइन कि परिजन चाह था कि राकेश तिवारी जी बीएमओ हों उनका सम्मिलित किन जाए। यदि आप अपना यह जानी थे कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर एक रहा था, लेकिन हम सीएमएचओ से बात करके और उनसे बात करके यह सुनिश्चित करें कि राकेश तिवारी जी आमा जौने से भरोसा परिवार के कायम रहे कि हमार जो पीएम होल रहा है वह बेहतर तरीके से जो नौकर रिपोर्ट है वह सही है। ऐसे यह सारी प्रक्रिया जनन के मांग है कि कुछ लोगन का उन जो है कहा थे उन्हें के द्वारा यह में घटना का कारित किया गया है या उनके द्वारा करवावा गया है,
उनके द्वारा एक नामी गिरामी ठेकेदार के सीधी के नाम लीन जाते हैं, कुछ अन्य लोगन के नाम लीन जाते हैं। गांव में एक जमीन का लेके रास्ता का लेके विवाद के बाद सामने आई तो कहा लागत है कि जब बड़े लोग शामिल हो जाते तो पुलिस जांच में कौन कौन ढिलाई कर देती। परिजन तो सीधे सीधे आरोप लगावत थे कि जमोड़ी थाना में उनका जो है बाकायदा बैठावा गया है, कोनो दिक्कत नहीं है और सब सेटलमेंट की तैयारी हो रही है। तो एक लेके अपना का कौनों में के बात कहा लेकिन क्या होते कि जौने परिवार में कोनो ऐसा मेरे से घटना घटत थी तो निश्चित रूप से वो परिवार दुखी रहा थे और सब आहत रहा था और आरोप निश्चित रूप से लगावा जाता है। आरोपन के तमाम जांच हुई और जांच के पश्चात कोने व्यक्ति का आरोपी ठहरावा जा सकते है। कनिष्क जी, हम केवल ये आधार पर कि हमार कोनो दुश्मनी रही अपना जानी थी, बहुत सारी चीज़ होती है अन्य अन्य लोगों से दुश्मनी हो सकती थी और वो दुश्मनी के आड़ में दूसरों लोग या वारदात का अंजाम दे सका था। ऐसे पूरी जांच हो जाए और जांच के पश्चात हम कह सके थे कि कौन व्यक्ति दोषी है। बिना जांच के हम जो आरोप लगाएला है वहूँ दिशा में जाँच हुई और दिशा में जाँच हुई। उम्मीद है कि सही जांच हो जाएगी। निश्चित रूप से निश्चित रूप से। अभी कुछ दिन पहले शिवम प्रजापति के एक मामला भर रहा, 2x2 के गड्ढा में एक लड़का का बताया देगा कि पुलिस कहीं इसकी पतंग उड़ावर रहा, वो जाए के गड्ढा में गिर गया और मौत हो गई, वहीं से केस क्लोज हो जाता। वह केस में कौनों में के मतलब वो गरीब व तमातारी है तक आरोप लगाई इसके हम गरीब हैं, ऐसे हमका न्याय नहीं मिला ना, हमारे लड़के का लहास को के न्याय मिला, खुलासा नहीं भा अपना यह मामला में कैसा। कनिष्क जी, यह बात से निश्चित रूप से बेहद हम पचे क्षुब्ध हैं, लेकिन एकाध दूठे मामला देखी कि अपना जब एक थे दूठे हत्या है तो जमोड़ी थाना में अभिषेक सिंह रहे और अपना देखी वो जो उनमेर से मोबाइल के लोकेशन में देवसर से वो आदमी बुक करके जब चला तो मैं यह देखा गया कि उस समय कितने मोबाइल चालू हैं, कट होके मोबाइल अगल बगल हमा, फिर वह आदमी जब आगे सराई बढ़त है तो सराई में कट मोबाइल है का वो जितने मोबाइल देवसर में वो हमा, फिर सराई से वो आदमी जब सीधी पहुंचा तो वो मोबाइल कट है हाँ, फिर वो रीवा जब पहुंचा तो कट है हाँ। या मेरे से पूरी छानबान भय तो मैं पता चला कि वह एक जने यादव या एक आध दूजने और लोग शामिल रहे और हत्यारा पकड़ा के तो ऐसने अपना यह मान चली कि कोनो घटना जब घटा थी तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का हमू का यह लाया था कि आ जाए यह पता चल जाए, लेकिन निश्चित रूप से हमारा यह मानव है कि यह जांच अच्छे तरीके से हुई और दोषी का पकड़ा जी और उनके खिलाफ दंडात्मक उचित कार्रवाई हुई। निश्चित तौर पर समझे लायक बात है कि सवाल जनता उठाए रही है, सवाल वो सिस्टम से उठाए रही है जो ये भरोसा दे बाबत है कि अपना हमारे नीचे यदि है या हमका पदस्थापित किएगा है पुलिस व्यवस्था बनाई गई ही तो अपना हमारे नीचे सुरक्षित हैं, किंतु जब सुरक्षा असुरक्षा के भाव पैदा करे लगे तो सवाल तो खड़े होते और सवाल ऐसे हम अपना से बे वह चीज़ करने लगी कि पुलिस बड़े आसान लहजा में एक संवेदनशील मामला का जो है निपटावे के प्रयास करा थी तो वह कहो न कहो सवाल तो खड़ा होता है। अपना चाहे नम्रता गुप्ता के बात की जाए, कुकुड़ी झर वाला घटनाक्रम वह का बड़े आसानी से पुलिस या कह देश के नहीं या आत्महत्या है, चाहे शिवम प्रजापति के मामला हो पतंग उड़ावत गिरिया, अब संजय सिंह जी के साथ जो में उठे घटनाक्रम भा है जो में संघर्ष उनके द्वारा एक कमरा के अंदर की इनका पूरे कमरा में जो में खून की बिल्कुल धार फैली है तो यह मतलब 6 घंटा भी बीत चुके हैं, पुलिस के लगे अभी कुछ नहीं है। अपना तो यह कहें कि मोबाइल के लोकेशन से का पकड़ ली नौका पकड़ ली तो कहाँ है मोबाइल का लोकेशन, 6 घंटा में अभी का प्रगति है कुछ पता है अपना का? पुलिस अपना को बताई इसकी 6 घंटा में यह घटनाक्रम में का प्रगति है? नहीं, कुछ लोगों के बैठावा गया है, उनसे पूछताछ चल रहा ही, बैठा के बात भय हमार देवेंद्र पांडे जी से जी। और हम जो कुछ घटना है हम बताए ना कि दुर्भाग्यजनक है और वो दुर्भाग्यजनक घटना का आधार मान के वो चलत फिरत रोड में जो घटनाक्रम भा है तो अपना खुद सोची डेम्हा की वह रोड कंटिन्यूस सलगी रात चलत ही वह रोड, चाहे बालू के ट्रक चलत हो चाहे आम आदमियों में से आवत जात हो, जो उन्हें जगह में बिल्कुल सड़क के किनारे ये पूरा घटनाक्रम भा, गौशाला में चौकीदार ऑलरेडी रहा था ठीक है, तो मतलब अभी तक कहे कि अभी हम पुलिस से पूछें तो पुलिस अभी कौनों ऐसा ठोस सबूत में नहीं पहुँची है, तो मतलब इतनी धीरे ही अपन सीधी की पुलिस या फिर ओका ढूंढे नहीं चाहे? नहीं नहीं ढूंढा का है नहीं जी, कोनो रिश्तेदारी तो है नहीं हत्यारण से, हत्यारण का पकड़ा जी या कुछ लोगों का जो आरोप लगाए गए हैं उनसे पूछताछ जारी है। और यह देखा जी कि कहाँ रहा हूँ उस समय और जब पूछताछ करे के बाद हम बच्चे निष्कर्ष पहुँचब, अब पुलिस शायद यहाँ पूरे व्यवस्था में तैनात है, यहाँ पुलिस देखल रही कुछ परिजनन के जो आरोप रहा मेडिकल पीएम का लेके
ओका पूरा किन का प्रशासन की तरफ से हम बच्चे सबके दिखें और निश्चित रूप से आगे कार्यवाही का ठीक ढंग से संचालित किन जी। यह हमका पूरा भरोसा है कि हत्यारा पकड़े जी हत्यारे। परिजनन की यह मांग है कि पीड़ित परिवार का उचित मुआवजा और राशि दी जाए, संबल योजना या फिर अन्य कोनो ऐसा योजना जो उनसे राहत दी जा सके। कहे कि एक छोट का बिटिया ही, छोट का लड़का है, अब पत्नी है, तो कुल मिला के एक परिवार पूरी तरह से टूटे के कगार में आ गया। अब कहे कि उनके घरे के प्रमुख व्यक्ति के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो का लेके कहा अपनों के द्वारा कुछ मांग की जाए या रखी जाए शासन प्रशासन के लिए एक नेता और एक जिम्मेदार व्यक्ति हो के नाते। संबल योजना के लाभ अपना जानी थे कि उन्हें के मिले थे जेकर संबल में पंजीयन होते, रजिस्ट्रेशन होते। अगर संजय भाई के पंजीयन संबल में हुई का ये जांच करी प्रशासन का कर रहा है 6 घंटा से अभी तक। बात करी थी हम कलेक्टर साहब से कि विषय में कहा है, लेकिन घरों वाले इनके परिजनों के पता हुई हो माँ। और इसने दुख के समय में जब सब लोग आहत था, दुखी हाँ, और हम संबल के कार्ड के पता लगवाई, यह उचित नहीं है। कुछ राहत के व्यवस्था तो हो चाहिए। कहे कि यह लगातार परिजन मांग कर लागे हमरे द्वारा खुद कहीं की मतलब लाओ जौन उचित हो। हम बच्चे निश्चित रूप से बैठ के इतने हमारे बड़े अच्छे साथी के, बड़े अच्छे परिवार के सदस्य के देहांत भाव हत्या भय है, सबके बैठ के जौन उचित कीन जा सके अधिक से। ये अपन बात ये रखे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखब और रखें और रखब आगे। हम कब पीड़ा है बात के निश्चित रूप से हम रखब और जौन कुछ हो सके यथासंभव कानून में प्रावधान हो या हम बच्चे व्यक्तिगत कर सके थे सारे चीज़ करे के प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे भाजपा के जिलाध्यक्ष इंद्रसरण सिंह चौहान जे पूरे घटनाक्रम में लगातार जुड़े हैं। अपना के द्वारा यह कहा गया कि सीधे हम पुलिस अधीक्षक से ये पूरे घटनाक्रम का लेके बात करे रहन, तब पुलिस अधीक्षक के द्वारा एका संवेदनशीलता से पूरे मामला का लेंगा ऊपचे पहुँचे। और अब 6 घंटा बीत चुके हैं, PM की कार्यवाही हो रही है। परिजनन की मांग रही कि मझौली से डॉक्टर आए के PM करें सारी बात, अब कहो न कहो धीरे धीरे, मगर अब 6 घंटा बीते बाद पुलिस के हाथ सिर्फ ऐसा संदिग्ध लगे हैं जिनसे सिर्फ सवाल जवाब हो रहे हैं, कोनो ठोस सबूत अभी उनके हाथ नहीं लगा है। हालांकि जो में निर्मम हत्या की गई ही तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि वह हत्यारा जो हुई तो वास्तव में पूरी तरह से वह कितना जो है निर्मम रहा हुई जो यह में हत्याकांड का अंजाम दिस। आपन बहुत ख्याल रखब और सीधी शहर में कहो न कहो यह भाव जरूर पैदा हो लाग है, आमजन में असुरक्षा के भाव पैदा हो लाग है। तब सुनिश्चित करावे चाहिए पुलिस अधीक्षक का कि अब शहर में गश्ती हो दिन रात बराबर गश्त की जाए और गांव के जो बीट हैं वहाँ पुलिस के बराबर गश्ती हो, तब कहो न कहो आम आदमी आमजन अपने आप का सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।